So we have to start these topics, and I will conclude today. Working of institution, judiciary, functions of Supreme Court, High Court, and independent judiciary. Other than that, we will also discuss about Lok Adalats. And PIL. Okay, ye chote se topic hai that we will cover also in this chapter. And complete judiciary we will discuss today. As you know, political organs are of two types. Legislature, three types, sorry. Legislature, executive, and judiciary. We have completed legislature. In this legislature, we have discussed parliament and president powers. Then I have discussed with you executive, in which we have discussed prime minister, consular minister, and cabinet. Now judiciary. In judiciary, the meaning of judiciary is the organ of the government which interpret constitution. Interpret का मतलब होता है properly explain करते हैं. Like common people, they don't understand the language of constitution. So the main purpose of Supreme Court and High Court is to interpret the constitution and to punish those who violates laws. And for this punishment, we have integrated judiciary. Like lower courts, high court, and supreme court. So, kind of powers and functions of supreme court are same. ठीक है high court. अगर देखा जाए तो दोनों की powers and functions same ही हैं. कुछ हद तक difference है, लेकिन headings आपके common ही आएंगे. ठीक है? कैसे common कैसे आएंगे? Like हमने cases के according इसको divide करना. ठीक है? कुछ cases direct supreme court के पास आते हैं. पहले हम discuss करेंगे supreme court की powers. ठीक है, कुछ केसेस जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, उनको कहा जाता है ओरिजिनल केसेस. वी आर डिस्कसिंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट. ठीक है, सम केसेस कम्स डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम कोर्ट. तो ये हो गई ओरिजिनल पावर्स, जो ओरिजिनल आते हैं, ओरिजिनल केसेस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, कौन कौन से केसेस इनके पास आते हैं. कुछ केसेस ऐसे हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं. ठीक है, कौन कौन से केसेस, ऐसे केसेस जिसमें स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है. स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट या वाटर रिवर डिस्प्यूट या रिवर वाटर डिस्प्यूट होते हैं. एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सीधा केस कहाँ पे आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास. या फिर सेकेंड इज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी जो है, अगर वॉयलेट हुआ है किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट, तो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस फाइल कर सकता है, उसके पास प्रॉपर राइट है. इट मींस फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशियबल हैं, जिनके पीछे कोर्ट की पावर है. ठीक है, तो ये केसेस सीधा कहाँ पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में. इसके बाद है अपेलेट जुरिसडिक्शन या अपेलेट पावर्स. अपेलेट मीन्स अपील, जिनमें केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते, पहले हाई कोर्ट में जाते हैं. हाई कोर्ट में वो केस प्रॉपर फाइल होता है, केस की हियरिंग होती है. केस का रिजल्ट आ जाने के बाद अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से रीओपन किया जाए, तो वो पर्सन जो है वो हाई कोर्ट से परमिशन लेते हैं. हाई कोर्ट फिर उसको परमिशन देता है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रीओपन किया जाए. हाई कोर्ट सर्टिफाइड करेगा, ओनली देन दिस केस विल बी ओपन इन द सुप्रीम कोर्ट. अपील इसका मतलब क्या है, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के जज के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है ताकि उस केस को रीओपन किया जाए. दिस इज कॉल्ड अपेलेट जुरिसडिक्शन. क्या बोलते हैं इसको, अपेलेट पावर्स, अपेलेट पावर्स कहते हैं. देन थर्ड, इसके अलावा अपेलेट कौन कौन से केसेस आते हैं अपेलेट में, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस. सिविल केसेस वो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैरिज के रिगार्डिंग, एडॉप्शन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है. क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होता है, चार्ज ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर. तो ऐसे केसेस जो हैं वो पहले अपील यानी कि पहले हाई कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं अपेलेट पावर्स. इसके बाद थर्ड जो है, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोटेक्टर
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी क्लॉज, जो भी आर्टिकल्स, जो भी शेड्यूल्स, पार्ट्स लिखे गए हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी जो है वो लॉयर या किसी भी एडवोकेट, ठीक है, तो इनमें से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लॉ की नॉलेज होती है वो जजेस को होती है. तो जजेस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर जजेस को ये लगता है या किसी पर्सन को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो सिटीजन्स के अगेंस्ट है, तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, इस पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो ये पावर है इसके अकॉर्डिंग, इफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स दैट एनी लॉ पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दे कैन कन्विंस द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कन्विंस भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं दैट दे हैव टू रिव्यू द लॉ, जो उन्होंने लॉ पास किया है उसको प्रॉपरली रिव्यू किया जाए. तो इसको बोलते हैं, इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू कि गवर्नमेंट को रिव्यू करने के लिए कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है उसको रिव्यू करने के लिए बोला जाता है, ठीक है. देन इसके बाद है एडवाइजरी फंक्शंस. एडवाइजरी फंक्शंस मतलब एडवाइस देना. किसको एडवाइस देना, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना. इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग एनी लीगल मैटर्स, रिगार्डिंग एनी लॉ, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल. प्रेसिडेंट को अगर लगता है किसी बिल के रिगार्डिंग तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से उसकी एडवाइस भी ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे याद रखना, टू अबाइड द एडवाइस, उसको मानना या ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं, बाकी जजेस कुछ भी एडवाइस करते हैं दैट इज अप टू प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है उसको मानना या ना मानना इनके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ फाइनल जो है वो मेन हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन, ठीक है. देन इसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, दैट जितनी भी हियरिंग्स सुप्रीम कोर्ट में होती है, जितने भी केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, इनकी जजमेंट, इनके रिजल्ट्स को प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, और ईयर वाइज जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड रूम में उनको सेव किया जाता है, ताकि आने वाले लॉयर्स, आने वाले जजेस जो हैं, कभी कल को सेम वैसा ही केस आए तो वो सेम काइंड ऑफ जजमेंट, सेम काइंड ऑफ जो हियरिंग्स है, सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करें. तो इसके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रॉपर रिकॉर्ड रूम होता है जिसमें सारे पिछले केसेस को प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है. कल को अगर कोई भी स्टूडेंट लॉ पढ़ता है, जिसने भी लॉ करना है, तो उसके लिए उसको पुराने जितने भी केसेस हैं उनको स्टडी करना पड़ा है. केसेस स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली उनको समझ आएगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था, जजेस ने क्या डिसीजन दिया, एडवोकेट्स ने कौन सा आर्टिकल लगाया, और किसके बिहाफ, किस तरह से लॉयर्स ने, एडवोकेट्स ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने क्या क्या एविडेंसेस दिए और उनके बेसिस के ऊपर जजमेंट क्या सुनाई थी, ठीक है. तो ये सारा जो है दैट इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज आपको पता होना चाहिए 65 years, ठीक है, 65 होती है. देन अपॉइंटेड, अगर मैं पूछूं हु कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज प्रेसिडेंट. आप बताओगे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देन रिमूवल, हु कैन रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव इन द पार्लियामेंट बाई इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय पासिंग 2/3 majority votes. यानी कि जजेस जो हैं उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रॉपर प्रपोजल वोटिंग जो है वो करवाई जाती है, और अगर 2/3 majority से वोटिंग इनके अगेंस्ट होती है तो दे कैन बी रिमूव्ड. बाकी देखा जाए क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और इनका जो मेन कहते हैं कि एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी पर्सन जो है शुड बी मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस ऑफ जज, यानी कि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन द हाई कोर्ट, ठीक है. सेकेंड क्या होना चाहिए, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस जज का नहीं है तो 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, ठीक है. तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन है.
आगे आ जाओ. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की भी जो टर्म्स हैं, जो है काइंड ऑफ हेडिंग्स हैं, आपके सेम ही रहेंगे. लेकिन इसमें आपने क्या बताना है, हाई कोर्ट में क्या बताओगे? ओरिजिनल केसेस. हाई कोर्ट के सेम रहेगा हेडिंग, ओरिजिनल केसेस. हाई कोर्ट में कौन से केसेस आते हैं सीधा? हाई कोर्ट में ओरिजिनल केसेस आ सकते हैं, ऐसे केसेस जिनके, फॉर एग्जांपल, जो ऐसे केसेस होते हैं जो पर्टिकुलर मैरिज से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, आपने ये बताना है कि हाई कोर्ट जो है, जो अपील, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कुछ केसेस हाई कोर्ट के पास आते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. कौन कौन से केसेस होते हैं? सिविल केसेस. सिविल केसेस जो है वो सीधा हाई कोर्ट में आते हैं. सिविल केसेस कौन कौन से होते हैं? मैरिज, डिवोर्स, रेवेन्यू. तीन वर्ड याद रखो, मैरिज, डिवोर्स, रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सीधा हाई कोर्ट में आते हैं. ठीक है, ये सीधा केसेस हाई कोर्ट में आते हैं. और इसके बाद अगर हाई कोर्ट में इनका डिसीजन किसी पर्सन को अगर वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं मानता, तब इस केसेस को फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है. ठीक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पैलेट केसेस बन जाते हैं. लेकिन जब हमने हाई कोर्ट की पावर्स लिखनी है, हम लिखेंगे सम केसेस डायरेक्टली कम्स अंडर हाई कोर्ट. तो दीज आर कॉल्ड ओरिजिनल केसेस, या ओरिजिनल पावर क्या होती है? सिविल केसेस. देन हाई कोर्ट की अपैलेट पावर्स क्या है? अपैलेट पावर्स, हाई कोर्ट के पास वो केसेस आएंगे जो लोअर कोर्ट से आए, अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जलंधर है, जलंधर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर जलंधर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस जो है वो पेंडिंग है, केस की हियरिंग हो गई, लेकिन अब वो पर्सन उस केस को हाई कोर्ट में ओपन करना चाहता है, तो हाई कोर्ट का अपैलेट केस बन जाएगा. अपैलेट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को अपील करेगा कि इस केस को हाई कोर्ट में सुना जाए. इज इवन वो पर्सन भी विलिंग होगा. सपोज अगर पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से जो है वो सेटिस्फाइड है, देन इट इज ओके. लेकिन कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि अगर मैं हाई कोर्ट को इसको फिर से रीओपन करूं, तो इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको हाई कोर्ट में अपील जो है वो सर्टिफाइड करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट उसकी अपील यानी कि उस केस को रीओपन करेगी. ठीक है, तो ये बन गया हाई कोर्ट का अपैलेट. अपैलेट पावर्स का मतलब कुछ केसेस आते हैं जो डायरेक्ट नहीं आते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, उनको कहते हैं अपील या अपैलेट केसेस. ठीक है, देन थर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी सेम ही रहेगा कि हाई कोर्ट क्या करता है, उसकी जुडिशियल रिव्यू क्या है. हाई कोर्ट में आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट में आएगा स्टेट गवर्नमेंट. इसमें आप बताओगे कि इफ हाई कोर्ट जजेस या एनी पर्सन दे थिंक्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट, एनी लॉ पास बाय स्टेट गवर्नमेंट दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देन द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन यूज देयर जुडिशियल रिव्यू. वो अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर सकते हैं. And they can declare any law unconstitutional passed by the state government. Supreme Court में आप same line लिखोगे, लेकिन वहाँ पे लिखोगे central government. High Court में same line लिखोगे, लेकिन यहाँ पे लिखोगे state government. I am again repeating, in this judicial review, जो High Court की judicial review power है, in this, if state government has passed any law that is against the constitution, then the judges of High Court can declare or can use their power of judicial review and they can declare their any law unconstitutional if it is not according to constitution. Isko bolte hain high court ka judicial review. Ki wo state government ko koi bhi law ya koi bhi bill jo unhone pass kiya hai, koi bhi law pass kiya hai, usko review karne ke liye. Review ka matlab hota hai dobara se sochna, dobara se iske upar socho ki jinke liye ye bill pass kiya gaya hai kya proper unke liye hai, और इसमें अगर कोई कमी पेशी है, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, तो दे कैन डू. इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, देन इसके बाद सेम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसमें भी सेम ही लिखोगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने सारे केसेस को प्रिजर्व करते हैं, पब्लिश करते हैं, ऐसे ही हाई कोर्ट के सारी जितनी भी हियरिंग्स हैं, जितनी भी जजमेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, प्रिजर्व का मतलब होता है प्रॉपर पब्लिश किया जाता है, और ताकि जो पर्सन एडवोकेट, लॉयर बनना चाहते हैं, जजेस बनना चाहते हैं, वो पुराने सभी केसेस को स्टडी करें, ताकि उनको सारा जो है वो क्लियर हो कि सपोज ऐसा केस इन फ्यूचर उनके सामने आए तो जजमेंट जो है वो सेम तरह की दी जाए. ठीक है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा इसके अलावा एक और भी फंक्शन हाईकोर्ट का आप लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है? हाईकोर्ट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है? सेशन कोर्ट होता है ना, लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, जजेस
यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट, उनके सैलरी से रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, अगर किसी की प्रमोशन होनी है तो ये सारा हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है, दैट हाई कोर्ट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स रिगार्डिंग देयर प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट, सैलरीज, जो भी लोअर कोर्ट्स का होता है उनको सारी गाइडलाइंस देता है। इसका मतलब हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट गाइडलाइंस देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और इस तरह से सपोज अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता, वो फिर हाई कोर्ट में जा सकता है, कुछ केसेस में, सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में। और अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं होता फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल, फाइनल जिसे हम कहते हैं अपील, एपेक्स कोर्ट माना जाता है, ठीक है। एंड एक ही कंडीशन पर सुप्रीम कोर्ट के जज की जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है रिगार्डिंग इफ द कैन से एनी पर्सन दैट इज गिवन पनिशमेंट हैंग टिल डेथ, यानी कि अगर उसको ऐसी सजा मिली है जिसमें उसको डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब होता है फांसी की सजा मिली है, और वो पर्सन, उसका जो लॉयर है वो प्रेसिडेंट के पास अपील करता है, और उस अपील में अगर रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है उस पर्सन का क्राइम क्या है, उसकी फैमिली कंडीशन क्या है, या जो भी लॉयर्स या एडवोकेट्स कुछ पॉइंट्स रखते हैं, अगर प्रेजिडेंट को लगता है कि वो जेन्यून है तो वो उसकी फांसी की सजा को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू उम्र कैद या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ओनली देन द जजमेंट कैन बी चेंज, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जज की जजमेंट को कोई भी चैलेंज या फाइनली इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है दैट इज अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये हमें दोनों टॉपिक किए हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किससे किससे इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, इन आर कंट्री जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम किसके कंट्रोल से, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं, एमपीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट। इट मींस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमारी कंट्री में पहले तो हम बताएंगे कि क्यों होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्यों होनी चाहिए। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इसीलिए अलग होनी चाहिए फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सो दैट जजमेंट गिवन बाय द जजेस शुड बी फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है कि सपोज हाई कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर उनके ऊपर हमेशा किसी भी जजमेंट के रिगार्डिंग एमपीज का प्रेशर रहेगा, प्रेसिडेंट का प्रेशर रहेगा, पीएम का प्रेशर रहेगा, मिनिस्टर्स का प्रेशर रहेगा, तो वो अपनी जजमेंट को फेयर या इंडिपेंडेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देन जजेस विल नॉट बी एबल टू डिलीवर देयर जस्टिस इंडिपेंडेंट। किसी भी केस में उनको पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, फिर एमपी से पूछना पड़ेगा, पीएम से पूछना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट से पूछना पड़ेगा। और ऐसे में फिर क्या होता है, जिसको लॉ की नॉलेज है, जिनको लॉ की नॉलेज है उनकी नॉलेज जो है वो क्या हो जाएगी, फेड हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज ऐसा होता कि किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए जजेस को पहले परमिशन लेनी पड़े लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से, तो उसमें क्या होगा, डिले होगा, टाइम वेस्ट होगा। और मे भी हो सकता है कि सपोज जो क्रिमिनल है, ठीक है, वो किसी भी तरह से इनके साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे में जजमेंट जो है वो अफेक्ट करेगा। सो वी कैन से दैट इन एनी कंट्री जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सो दैट जजमेंट गिवन बाय जजेस शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि येस, इन आर कंट्री जुडिशरी हैज बीन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रखा गया है। नंबर वन, मैथड ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें आप बताओगे मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि इनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग
कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट, किसी भी जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, सीजेआई है, जो भी है, आपने ये बताना है दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज है, सीजेआई बोलते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इसके बाद जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑन द यू कैन से एडवाइज, ऑन द एडवाइज ऑफ, आपने बताना है दैट प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ सीजेआई, सीजेआई के एडवाइस के साथ ही वो बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है. इसके बाद फिर आपने बताना है मेथड ऑफ रिमूवल. पहले आपने बता दिया अपॉइंटमेंट, फिर आप बताओगे मेथड ऑफ रिमूवल. वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट दे विल बी रिमूव्ड, उनको रिमूव कौन करेंगे, पार्लियामेंट बाय इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन. यानी कि जजेस, चाहे सीजेआई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हैं, दे विल बी रिमूव्ड बाय द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट. इस प्रोसीजर में क्या होता है, इम्पीचमेंट में वोटिंग करवाई जाती है, लोकसभा में अलग करवाई जाएगी, राज्यसभा में अलग करवाई जाएगी. वोटिंग करवाने के बाद 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में अलग अलग अगर पास हो जाएगा देन जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है. थर्ड, वेरी गुड सैलरीज ड्यूरिंग लाइफ टाइम. आपने बता देना है कि इनकी लाइफ टाइम में इनको सैलरीज जो है वो बहुत हाई सैलरीज पे की जाती हैं, ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको ना हो और मनी या फाइनेंस के इन्फ्लुएंस में आकर ये अपनी जजमेंट चेंज ना कर, करप्शन या ब्राइबरी ना ले, ठीक है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी सैलरीज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हाईली इनको सैलरीज दी जाती हैं और इनको बहुत सी फैसिलिटीज दी जाती हैं, ताकि इनको मनी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जजमेंट जो है वो चेंज ना करनी पड़े. देन लॉन्ग टेन्योर. लॉन्ग टेन्योर का मतलब होता है इनका टाइम पीरियड दैट इज टू लॉन्ग. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टाइम पीरियड है 65 years, नॉर्मली 58 years होता है, पर इनके जजेस का कितना रखा गया है, नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट एज कितना होता है, 58 years, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का रखा गया है 65 years. इसका मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के बाद भी, मतलब इनकी जो एज है अप टू 65 years, इनको अपनी कहीं और जॉब ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े. कई लोग क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद कहीं और जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इनकी एज रखी गई है क्योंकि इनका जो पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर होना कितना, मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पोस्ट है, उस पोस्ट से नीचे किसी और पोस्ट को ना ज्वाइन करें, क्योंकि इनका रैंक जो है वो कितना हाई है, नीचे रैंक में काम करेंगे तो सैलरीज भी कम मिलेंगी. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकी एज जो फैक्टर है इतना लॉन्ग रखा है, ताकि इनको रिटायरमेंट के बाद इनकी इतनी फैसिलिटी, इतनी जो है इनको फंड मिलता है, इनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की टेंशन, तो इसीलिए इनका टेन्योर बहुत लंबा रखा गया है. हाई कोर्ट के जजेस का रखा गया है 62 years, ठीक है. तो इसके बाद फिर हमने बताना है हाईली क्वालिफाइड, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, इनको लॉ का एक्सपीरियंस प्रॉपर होता है, ठीक है. देन फिर हम बताएंगे सेपरेशन. सेपरेशन का मतलब होता है नीदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव विल बी इन द पोजिशन टू गाइड. गाइड का मतलब होता है कि जजेस गाइड नहीं, गाइडेंस नहीं लेंगे इनसे, बल्कि ये एडवाइस करेंगे प्रेजिडेंट, ठीक है. दे नीड नॉट टू हैव take any kind of you can say advice from MP, from minister, prime minister, from any minister. कल को अगर prime minister या councilor minister किसी भी तरह से कोई भी problem आती है तो उनको trial कहाँ पे होगा, उनको supreme court में होगा. यानी कि कोई भी minister है या कोई भी MP है, अगर उन्होंने कुछ भी scam किया है तो ultimately उनके against case जो है वो supreme court में file होगा, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यस जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन आर कंट्री. देन आ जाइए लोक अदालत. लोक अदालत का मतलब है, लोक मतलब पब्लिक, लोगों की, अदालत मतलब कोर्ट, लोगों का कोर्ट. ये कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था इसीलिए ताकि जो पुअर पीपल हैं या ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता कोर्ट्स की हियरिंग्स का, उनके केसेस का निपटारा किया जाए, क्योंकि आए दिन गवर्नमेंट के पास पता नहीं नंबर ऑफ केसेस आते हैं. तो ये स्टार्ट किया गया था, आपको डेट याद रखनी है 6 अक्टूबर 1985, पहली बार लोक अदालत का कंसेप्ट कहाँ पे स्टार्ट किया, दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 लोक अदालत का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया, जिसमें कि
जितने भी केसेस हैं रिगार्डिंग टेलीफोन बिल, किसी का अगर टेलीफोन बिल बहुत ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ गया, इंश्योरेंस क्लेम्स, किसी ने इंश्योरेंस का क्लेम किया लेकिन उसको मिला नहीं, तो ऐसे कुछ केसेस जितने केसेस जो है जिन केसेस में क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, जो क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता ऐसे केसेस में, इन केसेस को आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि जिसमें एक ही हियरिंग में सारे केसेस का निपटारा हो जाता, जिसमें किसी भी तरह से जो है वो हाईली जो है वो लॉयर्स की फीस या एडवोकेट की फीस या जो डिले ऑफ जो डेट्स होता है उसका जो है वो प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया जाता, यानी कि जल्दी से इन केसेस की हियरिंग जो है वो करवा दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस जिन केसेस में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है लोगों की, देन टेलीफोन बिल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो उन केसेस को बिना किसी लॉन्ग डिले मतलब प्रोसीजर के एक ही हियरिंग में खत्म किया गया, बहुत से केसेस को खत्म किया गया। इनको कहा जाता है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब होता है कुछ बेंच, बेंच मतलब सम एडवोकेट्स एंड लॉयर्स एंड जजेस, उनका एक बेंच बना दिया जाता है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर इनके जो ग्रीवांसेस कंपनसेशन, जो कंपनसेशन होता है या बिल के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है, और इस तरह से लोगों का टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, तो जल्दी से केसेस का निपटारा किया जाता है, इनको बोलते हैं लोक अदालत, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 6 अक्टूबर 1985 फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। उसके बाद कितने ही जगह पर लोक अदालत जो है वो स्टार्ट की गई ताकि लोगों का टाइम बचे, स्पीडी जस्टिस उनको दिया जाए, और एक तरह से लोगों का जो भी पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब होता है जो उनके ग्रीवांसेस हैं कंपनसेशन है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब एक और कंसेप्ट आता है PIL, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL? PIL का मतलब है कि सपोज कोई पर्सन है जो बहुत पुअर है, ठीक है, और उस पर्सन के पास मनी नहीं, वो एडवोकेट की मनी अफोर्ड नहीं कर सकता, देन उस पर्सन के बिहाफ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज जिनको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस पर्सन के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती हैं। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक लेटर एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, पेटिशन, पेटिशन मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट, और उस पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उस पर लिख दी जाती हैं, और ऐसे में फिर एनजीओज जो है उस पर्सन के बिहाफ पे केस जो है वो फाइल करवाती हैं, ठीक है। और कोर्ट जो है, कोर्ट मतलब कोई भी कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, वो फिर उस पर्सन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हुई है, या किसी भी तरह से अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई अपनी पावर्स का मिसयूज किया है, या उस पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम आई है, उस पर्सन की प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, वो किसी डिपार्टमेंट में गया और उस डिपार्टमेंट में उसके उसको करप्शन या ब्राइबरी के लिए उकसाया गया, ठीक है, उसका जो भी पर्टिकुलर जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, ऐसे में उस पर्सन के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी एनजीओस में जाकर कंप्लेंट कर सकता है, और फिर वो एनजीओस उस पर्सन के बिहाफ पे केस फाइल करेंगी, और उस पर्सन के साथ जो भी उसकी पावर्स को मिसयूज किया गया है, उस पर्सन से अगर ब्राइब ली गई है, ठीक है, या फिर उस पर्सन को हरास किया गया है किसी भी तरह से, तो ऐसे में उस पर्सन के बिहाफ पे एनजीओस क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर्सन के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है। फिर ऐसे में क्या होता है, उस पर्सन की जो भी हेल्प वो एनजीओस करती हैं, और इस तरह से वो पर्सन जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास प्रॉपर मनी नहीं है और एनजीओस उनके बिहाफ पे केस फाइल करवाती हैं, और इस तरह से जो भी गवर्नमेंट, अगर कोई भी डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह से उसके साथ जो भी मिसयूज किया है, तो उस तरह से उस डिपार्टमेंट से उस पर्सन को बचाया जाता है। तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सिंपल इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन होती है जिसमें वो पर्सन के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो एनजीओस की हेल्प लेकर केसेस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में फिर उस पर्सन को एडवोकेट की जरूरत नहीं, वो पर्सन एनजीओस ही एक तरह से उस पर्सन की जो है बिहाफ पे केस जो है वो फाइल करवाती है। फिर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट किस तरह से उस पर्सन को जो है वो जस्टिस दिलाएगी, ठीक है। तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। So that was all about this chapter. Any doubt, you can ask your question.
हाँ जी, रेज योर हैंड्स. वी हैव कंप्लीटेड लेजिस्लेचर, वी हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूटिव, वी हैव कंप्लीटेड जुडिशरी पार्ट. नाउ आस्क योर डाउट्स बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट. तो नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्शंस. टुमारो वी विल रिवाइज इलेक्शंस टॉपिक, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड सम टॉपिक फ्रॉम बुक ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस. क्लियर?